इतना शाइनी और इतना स्मूथ बना देगा कि हाथ लगाने से भी बाल हाथ नहीं आएंगे। हेलो गाइस, आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाले हैं आप सभी के साथ में जो आज से नहीं बल्कि पुराने जमाने से यूज किया जाता रहा है और ये हमेशा ही हमारे बालों पर एक न्यू शाइन का काम करता है। बालों के लिए अगर आपको पूछा जाए कि सबसे जरूरी चीज क्या है तो आप सीधा सीधा बोल दोगे प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में है? अंडे में। तो इसीलिए आज हम अंडे की एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो क्या करना है चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहोगे। इस रेमेडी को छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की औरतें भी लगा सकती हैं और गर्ल्स के लिए टीनेजर्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बालों में आजकल बहुत ज्यादा फ्रिजीनेस बढ़ रही है, बाल बिल्कुल भी शाइन नहीं करते, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा एक बॉल और इसी के साथ आपको चाहिए होंगे अंडे, दो अंडे या फिर अकॉर्डिंग टू योर हैंड लेंथ आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आपको एक बॉल लेना है और इसके अंदर आपने दो अंडों को तोड़कर डालना है। फुल एग आप यूज करेंगे, एग व्हाइट एंड एग योक दोनों आप यूज करोगे। तो इस तरीके से एक बॉल के अंदर आप दो अंडों को निकाल लीजिए। दोस्तों अंडा बालों को प्रोटीन तो देता ही है, साथ ही साथ इतना ज्यादा नरिशमेंट देता है, जड़ तक इसका मॉइस्चर पहुंचता है। उसके बाद दूसरी चीज है एलोवेरा जेल, आपको ऐड करना है एक चम्मच मार्केट वाला एलोवेरा जेल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्योर एलोवेरा जेल यूज करेंगे तो आपको लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्केट वाला एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है। एंड देन थर्ड इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होगा हनी, प्योर हनी आप यहाँ पर यूज करेंगे। गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, बालों की शाइनिंग के लिए हनी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से काम करता है क्योंकि ये हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है और उसमें एक न्यू शाइन देने का काम करता है। एंड देन आप इन सभी चीजों को प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस मिक्स कर लेने के बाद आपका ये रेमेडी तैयार है। इसको आप अपने साफ सूखे बालों में जड़ों में जरूर लगाइएगा। जड़ों में अच्छी तरह से लगाएंगे और अप्लाई करेंगे इसको फुल लेंथ तक, हम बालों को अच्छे से कवर कर देंगे मास्क से और उसके बाद हम इसे एक से डेढ़ घंटे तक रखेंगे। एंड देन आप अपने बालों को शैम्पू से भी वॉश कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि बालों में अंडे की स्मेल आती है तो वो परेशान रहते हैं, इसलिए आप शैम्पू से भी इसको वॉश कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टाइल देन, टेक केयर।